अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ताज किचन। आज हम बनाने वाले हैं बड़े ही मज़ेदार डिश जिसका नाम है गोभी मसाला, वो भी मेरे अंदाज में। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। गोभी मसाला बनाने के लिए पहले हम पानी को बॉईल कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, यहाँ हम हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और इसमें गोभी डालेंगे और इसको बॉईल कर लेंगे अच्छे तरीके से। देखिए गोभी ऑलमोस्ट बॉईल हो चुकी है। चलिए अब हम इसको पानी में से निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। पैन में हमने ऐड कर लिया है हाफ टेबल स्पून घी और हाफ टेबल स्पून ऑयल। हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। बेली सूखी मिर्चें दो इलायची, अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बारीक कटी प्याज और दो हरी मिर्चें। और इसमें ऐड करेंगे 1 कप टोमेटो प्यूरी। फ्लेम को आप लो कर लें और इसमें ऐड करें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें। आप इसको लो फ्लेम पर 2 मिनट तक पका लें। देखिए तेल सारा ऊपर आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे काजू का पेस्ट। और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दही। मेक श्योर करें कि जब आप दही ऐड करें तो आपकी फ्लेम लो हो, वरना दही सारा फट जाता है। आप फ्लेम को मीडियम कर लें और इसे 2 मिनट तक भून लें। दो मिनट हो गए हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को भूनते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। और हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट पानी, 1/2 कप पानी ऐड कर लें और बस इसे दम पे रख लें। अब हम इसमें सारी गोभी ऐड कर लेंगे। अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए दम पे रख लेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, चलिए लिड को निकालते हैं और बस बनकर तैयार है हमारा गोभी। चलिए फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। लीजिए बनकर तैयार है मज़ेदार गोभी मसाला। आप ही इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।